गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। क्या सारे लिविंग थिंग्स जिनमें जान होती है उनको फूड की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है? हाँ बिल्कुल होती है, बिना खाने के तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। वी लर्नड दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हमने पीछे भी पढ़ा है पिछले चैप्टरों में भी लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, लिविंग का मतलब जिनमें जान होती है और नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं होती है। ये हमने पहले भी पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में, कुछ पैराग्राफ भी पढ़े हैं। अब मैंने ये जो ये चैप्टर उठाया है इसमें ये पूछ रहा है कि लिविंग थिंग्स को क्या मतलब ज़रूरी है फूड? फूड बेशक ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। अगर हम भी ले लें, हम भी लिविंग में आते हैं, इंसान भी जो हैं लिविंग बींग्स हैं, लिविंग जो है मतलब उनको भी खाने की ज़रूरत है। अगर एक दिन आप भूखा रहोगे तो कितना तड़पता है इंसान, बिना पानी के बिना खाने के वो बिल्कुल भी रह नहीं सकता। और अगर वो ऐसे ही रहना चाहे तो उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाएगा। कुछ दिन तक बेशक वो ज़िंदा रहेगा लेकिन उसके बाद डेथ हो जाएगी उसकी। वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस। एनिमल्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए भी है, क्योंकि आपने देखा होगा जानवरों को भी फूड की ज़रूरत होती है और वो इधर उधर फूड की खोज में दिन भर घूमते रहते हैं, खाने की खोज में, पक्षी भी। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स एंड मेक दियर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने ये भी पढ़ा है आपको, जो प्लांट जो प्रिपेयर करती है फूड वो किसकी प्रोसेस, किसकी मदद से करती है? फोटोसिंथेसिस। ये भी मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी आपको बताया है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर दियर फूड। कुछ एनिमल्स जो है, मैंने आपको ये पढ़ाया है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये पहले ही मैंने पहला ही टॉपिक जो ऑनलाइन उठाया था उसमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन से मैंने इसको अलग अलग मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है। आप ये टॉपिक ज़रूर देखिएगा, वीडियो में पूरा कंप्लीट इसका है। तो ये कह रहा है कि एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी हैं। आप अब कहेंगे कैसे, जैसे एनिमल्स जो है, कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे कि वो खाली प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स के अलावा कुछ नहीं खाते हैं, वो हर्बीवोर्स जिसको कहते हैं, वो खाली प्लांट्स खाते हैं। और कुछ जो एनिमल्स है वो एनिमल्स को ही खाते हैं, मीट खाते हैं वो, तो वो भी एक एनिमल्स ही हैं लेकिन वो घास फूस नहीं खाते हैं, वो खाली मांस खाते हैं, मांस मीट हो गया। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। अब जो फूड है ये करता क्या है, ये अब जो खाना खाते हैं ये ग्रोथ में काम आता है, हमारे काम काज के काम आता है। बिना खाए हम कोई काम नहीं कर सकते। आप देख रहे होंगे आसपास भी कोई मजदूर या कुछ, कोई घर बनाता है, कोई कुछ बनाता है। जब देखेंगे आप सुबह वो पहले आते हैं नाश्ता करके, उसके बाद दोपहर तक वो अगर काम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद थोड़ा लंच भी करते हैं, बिना लंच के वो कंटिन्यू काम नहीं कर सकते शाम के 4 या 5 बजे तक, क्योंकि उनको काम करना होता है तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है। वही फूड जो है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आप समझ गए होंगे हमें कितना ज़रूरी है ये फूड। अब तो बिना खाए पिए हम कोई भी काम नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो टॉपिक है हमारा डू ऑल लिविंग थिंग्स नीडेड फूड या नीड फूड। बिल्कुल बेशक, यस, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स और जिनको ज़िंदा रहना है उनको खाना ज़रूरी खाना है। हम देखते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, अगर हम खाना या पानी, ये कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं इंसान के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए। बिना आशा आप कहेंगे खाएंगे, खाली खाते रहेंगे पानी नहीं पियेंगे, तो वो भी एक दिक्कत है। पानी तो ज़रूरी है, पानी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी पानी से ही बनी हुई है। मैक्सिमम अमाउंट या 70% अमाउंट जो हमारा बॉडी में है वाटर ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत अच्छा, तो आपको ये मतलब समझ आया होगा। तो अगला टॉपिक मैं कुछ और चुनूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।